बात 1969 की है। फिल्म राजा साहब के एक गाने की रिकॉर्डिंग होनी थी। गाने के संगीत निर्देशक थे कल्याण जी आनंद। उन दिनों गायक बनने का सपना लिए एक लड़का अक्सर कल्याण जी आनंद जी के स्टूडियो आया करता था। ये वक्त उसके संघर्ष के दिन थे। ये लड़का कभी बड़े सिंगर्स के गाने में कोरस टीम का हिस्सा बनता तो कभी मशहूर गायकों के आने पर उन्हें देखने पहुंच जाता। कभी कभी कल्याण जी आनंद जी कोई नई धुन बनाते तो उसे चेक करने के लिए इसी लड़के से गवाकर एक बार देख लेते। एक दिन शाम को उस लड़के से आनंद जी ने कहा कि देखो, कल राजा साहब फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग होनी है, रफी साहब स्टूडियो आएंगे, अगर तुम भी कोरस टीम में शामिल होना चाहो तो समय से आ जाना। उस लड़के के लिए तो मानो ये मौका अपने खुदा से मिलने के बराबर हो। वो लड़का अगले दिन टाइम से पहले ही पहुंच गया। रफी साहब पहुंचे तो उसने मन ही मन उन्हें प्रणाम किया। थोड़ी देर बाद रिहर्सल और फिर गाने की शुरुआत हुई तो वो लड़का रफी साहब के ठीक पीछे कोरस के लाइनें गाने लगा। अचानक रफी साहब कल्याण जी के पास पहुंचे और उनके कानों में कुछ कहा। इसके ठीक बाद कल्याण जी ने कोरस टीम से उस लड़के को हटा दिया। देखो जी तुम्हारी यही बतिया मुझको है तड़पाती, लूटे कोई मन। वो बहुत मायूस हुआ। उसे लगा कि रफी साहब को उसकी गायकी बहुत बुरी लगी होगी, इसलिए शायद उसे हटा दिया गया होगा। खैर, गाने की रिकॉर्डिंग खत्म हुई तो रफी साहब को छोड़ने कल्याण जी आनंद जी बाहर तक गए। वापस लौटे तो देखा कि वो लड़का बेहद उदास बैठा हुआ था। कल्याण जी ने कहा, अरे तुम इतने उदास क्यों बैठे हो, तुम्हारे लिए तो एक खुशखबरी है। लड़के ने हिम्मत जुटाकर पूछा कि क्या। इसके बाद जो जवाब मिला उसने मानो लड़के की किस्मत बदल कर रख दी। तेरा नाम लिया, तुझे याद किया। कल्याण जी ने कहा कि पता है तुम्हें कोरस टीम से क्यों हटाया गया। उसने कहा कि नहीं। कल्याण जी बोले कि दरअसल तुम्हारा गाना रफी साहब को बहुत पसंद आया, इसीलिए उन्होंने कहा कि इससे कोरस मत गवाओ बल्कि इसे गाने का एक पूरा अंतरा गाने को दीजिए और फिल्म में उसे शामिल भी करिए। ये बात सुनकर मानो उस लड़के की लॉटरी लग गई हो। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि जाने माने सिंगर मनहर उधास थे। वही मुझसे कहते I love you। रफी साहब के कहने पर राजा साहब फिल्म के इस गाने में एक अंतरा मनहर का भी शामिल किया गया। इसके बाद तो मनहर पर मानो जिंदगी मेहरबान हो गई। पहले सुनिए वो गाना। मेहर बाटी नजर ढूंढते। मनहर उधास संगीत की दुनिया का वो उजास जिनके बेजोड़ गायकी ने सुनने वालों को न जाने कितने ही अमर गीत दिए। उनके गाए तमाम गाने कालजयी बन गए, लेकिन मनहर को वो शोहरत नसीब नहीं हुई जिसके वो वाकई हकदार थे। एक से बढ़कर एक गीत, लेकिन गीत संगीत के मुरीदों तक को पता नहीं होता कि इसका सिंगर कौन है। पहले आप खुद उनके कुछ गीत सुनें और मेरी बातों की तस्दीक करें। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे मरने वाला को किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में। नमस्कार, प्रणाम और आभार। आप देख रहे हैं बिहाइंड द कैमरा विद आरजे कंगना और बात हो रही है जाने माने गायक मनहर उदास की। इस पेशकश में हम जानेंगे कि केमिकल इंजीनियरिंग का ये छात्र कैसे बन गया गायकी की दुनिया का एक बड़ा नाम। साथ ही बताऊंगी वो दिलचस्प किस्सा जब एक शो में मनहर उदास परफॉर्म कर रहे थे और महफिल लूट ले गए उनके 10 साल के छोटे भाई पंकज उदास। कल बिछड़ जाएगा तो मैं क्या करूंगा, तो साथ ही जिक्र होगा उस दिलचस्प किस्से का जब फिरोज खान ने अपने ऊपर फिल्माए जाने वाले गाने में मनहर की आवाज लेने से मना कर दिया और बाद में अपने फैसले पर उन्हें अफसोस करना पड़ा। इसके अलावा आपको बताऊंगी वो वाकया जब सिंगर मुकेश ने मनहर की गायकी के साथ किया सबसे बड़ा इंसाफ। आपके हमको बिछड़े हुए। एक कमाल के सिंगर और कंपोजर मनहर उदास को शायद वो मुकाम हासिल नहीं हुआ जो वास्तव में वो डिजर्व करते थे। वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन कहना गलत नहीं होगा कि जिसने अपने दौर के लगभग सभी बड़े गायकों के साथ सुर में सुर मिलाया वो ज्यादा पॉपुलर क्यों नहीं हो सका।
अपने शुरुआती दो गाने उन्होंने मोहम्मद रफी और लता के साथ गाए। तू है एक मासूम हसीना, रूप है तेरा अनाड़ी। वो गुजरात की फिल्मों में गाने वाले सबसे बड़े सिंगर रहे। गुजराती गजल गायकी में उनके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हिंदी फिल्मों में गाए उनके ज्यादातर गीत हिट रहे, लेकिन मनहर उदास को जानने वाले सिर्फ चंद लोग हैं। इसकी वजह क्या रही ये आपको इस पेशकश में आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि केमिकल इंजीनियरिंग का एक छात्र गायकी की दुनिया में कैसे आया। मुझको अपनी जान से प्यारी है अपनी आजादी। मनहर उदास का जन्म 13 मई 1943 को गुजरात के राजकोट में हुआ था। उनके पिता का नाम केशुभाई उदास और मां का नाम जीतूबेन उदास है। बेहद संपन्न परिवार से ताल्लुक रखने वाले मनहर के पिता राजस्व विभाग में थे, जबकि दादा भी बड़े अफसर रहे। मनहर 3 भाइयों में सबसे बड़े हैं। उनके सबसे छोटे भाई पंकज उदास सिंगिंग की दुनिया के बड़े नाम हैं, जबकि उनके दूसरे भाई निर्मल उदास भी एक मशहूर गजल गायक हैं। मनहर उदास को बचपन से ही संगीत से लगाव था। बचपन में उन्हें रेडियो सुनने का शौक था और वो सहगल साहब के मुरीद थे। वो बचपन में जहाँ भी सहगल का ये गीत बजता ठहर कर उसे सुनने लगते। जब दिल ही टूट गया, हम जी के। इनके दादा काफी अनुशासन पसंद थे और चाहते थे कि तीनों भाई ठीक से पढ़ाई करके अफसर बने, लेकिन मनहर का लगाव तो संगीत की ओर ज्यादा था। इसीलिए वो अपने स्कूल और कॉलेज के कल्चरल फंक्शन में हिस्सा लिया करते थे और प्राइज भी जीतते थे। एज अ सिंगर यूथ फेस्टिवल में उन्होंने अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट भी किया, लेकिन प्रोफेशनल सिंगिंग की कभी ट्रेनिंग नहीं ली, क्योंकि अब तक कभी नहीं लगा था कि जिंदगी उन्हें म्यूजिक प्रोफेशन की तरफ ले जाएगी। और नहीं कुछ तुमसे कहना जीवन। खैर, इंजीनियरिंग करने के बाद मनहर उदास राजकोट में ही एक फैक्ट्री में जॉब करने लगे, लेकिन संगीत के कार्यक्रमों में हिस्सा लेना जारी था। इसी से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा आपको यहाँ सुनाती हूँ। एक बार जब मनहर स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे तो उनके छोटे भाई पंकज उदास भी वहाँ थे। उनकी उम्र उस वक्त करीब 10 साल की रही होगी। साल था 1962 और तब भारत और चीन का युद्ध चल रहा था। इसी वजह से देशभक्ति गीतों के खूब कार्यक्रम हो रहे थे। 10 साल के पंकज उदास ने जब माइक संभाला तो ए मेरे वतन के लोगों गाना शुरू किया। ऑडिटोरियम में मौजूद हर शख्स ने बेहद शांत होकर पंकज उदास का गाना सुना और खूब तालियां बजी। वहां मौजूद एक व्यक्ति को पंकज की प्रस्तुति तो इतनी पसंद आई कि उसने 51 रुपए का इनाम भी दिया। मनहर उदास की गायकी और टैलेंट के मुरीद उनके एक करीबी रिश्तेदार मन्नू भाई भी थे, जो एक बड़े लोक साहित्यकार थे। वो उन दिनों एक गुजराती फिल्म बना रहे थे जिसमें संगीत दे रहे थे कल्याण जी आनंद जी। मन्नू भाई ने मनहर को फोन करके बंबई बुलाया और कल्याण जी आनंद जी से उनकी मुलाकात कराई। इसके बाद मनहर अक्सर इस संगीतकार जोड़ी से मिलने लगे और उनके घर और स्टूडियो जाकर संगीत की बारीकियां समझते। कल भी मन अकेला था, आज भी अकेला है। पहली बार मनहर को फिल्मों में गाने का ब्रेक कैसे मिला इसकी कहानी भी बड़ी रोचक है, जिसे सुनकर मुकेश की दरिया दिली का पता चलता है। दरअसल फिल्म विश्वास के गानों की रिकॉर्डिंग चल रही थी। कल्याण जी आनंद जी इसके संगीत निर्देशक थे। फिल्म के सारे गीत रिकॉर्ड हो गए थे, सिर्फ एक गाना बचा था। इसी बीच मुकेश कहीं बाहर चले गए। तब फैसला किया गया कि अभी इस गीत को मनहर उदास की आवाज में रिकॉर्ड करा लिया जाए, बाद में जब मुकेश आएंगे तो मनहर की जगह मुकेश की आवाज में डब कर लिया जाएगा। तेरे लिए ही तो खुद को संभाल रखा है। तब मनहर से कल्याण जी आनंद जी ने कहा कि तुम्हारे आवाज की टेस्टिंग के लिए एक गाना रिकॉर्ड करना है। सुमन कल्याणपुर के साथ वो गाना रिकॉर्ड कर लिया गया। जब मुकेश बंबई वापस आए तो उनको कहा गया कि अब वो इस गीत को रिकॉर्ड करा दें। लेकिन जब मुकेश ने वो गीत सुना तो बोले, क्या कमी है इस गीत में, मनहर ने तो इसे बहुत अच्छा गाया है, उस बेचारे को हटाकर मुझसे क्यों गवा रहे हो। मुकेश ये बात सभी को हैरान करने वाली थी। कोई और होता तो ऐसा कभी नहीं कहता। खाली हाथ में क्या आता, इसलिए देर से आया हूं, खाली। इस बात से जाहिर होता है कि मुकेश जितने अच्छे गायक थे उतने अच्छे इंसान भी थे। खैर, इसके बाद वो गाना मनहर की आवाज में ही फिल्म में शामिल किया गया। 3-4 महीने बाद जब फिल्म आई तब जाकर मनहर को पता चला कि उन्हीं का गाया गाना फिल्म में ले लिया गया है। आप भी वो गाना सुनिए, जिसे सुनकर आपको भी लगेगा कि ये मुकेश की ही आवाज है। आपसे मिलके इन आँखों में कितने। पहले
फिल्म में गाने का मौका मिला तो मनहर का हौसला बढ़ा और उन्होंने कई क्लासिकल गुरुओं से ट्रेनिंग ली, जिसमें फयाज अहमद खां भी शामिल थे। इसके साथ ही उन्होंने हैदराबाद के एक मौलवी साहब से उर्दू भी सीखी। इस बीच कल्याण जी आनंद जी का उनको भरपूर सहयोग मिल रहा था। पहला मशहूर गाना गाने के बाद भी मनहर का संघर्ष जारी था। इसके बाद उन्हें दूसरी बार फिल्म गोमती के किनारे में गाने का मौका मिला, जिसे लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत था आर डी बर्मन का। ख्वाब की तस्वीर आंखें लब खनकते जा। मजरूह सुल्तानपुरी को मनहर की आवाज पसंद आई और उन्होंने फिल्म अभिमान में उनसे गवाने के लिए आर डी बर्मन को सजेस्ट किया। इसके बाद आर डी बर्मन ने टेस्ट लेने के लिए मनहर को अपने घर बुलाया। मनहर उदास के लिए ये बड़ा मौका था, वो चूकना नहीं चाहते थे, लेकिन आर डी बर्मन को क्या सुनाया जाए इसको लेकर वो रात भर सोचते रहे। आखिरकार बर्मन साहब के घर पहुंचकर मनहर ने उन्हें एक नेपाली लोकगीत सुनाया, जिसे बर्मन ने अपने टेप में रिकॉर्ड भी किया। पंचम दा को भी मनहर की आवाज पसंद आ गई और फिल्म अभिमान के एकमात्र बचे गाने में मनहर को मौका दिया, जिसे उन्होंने लता जी के साथ मिलकर गाया था। इस गाने के बाद उन्हें संगीत की दुनिया में नोटिस किया गया। इसके बाद आई फिल्म आप तो ऐसे ना थे, इसमें निदा फाजली के लिखे गीत को मनहर उदास ने जिस तरह से गाया, उसकी दीवानगी 4 दशक से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद आज भी कम नहीं हुई। जिंदगी है सफर, तू सफर की मन। अब बात उस वाक्य की जब मनहर उदास मुकेश की आवाज के बाद 80 के दशक में जैकी श्रॉफ की आवाज बन गए। दरअसल सुभाष घई को अपनी फिल्म हीरो के लिए एक नए सिंगर की तलाश थी। घई को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने मनहर का नाम सुझाया। हीरो फिल्म में अपनी गायकी से मनहर ने सुनने वालों के साथ ही सुभाष घई को भी अपना मुरीद बना लिया। ये सब किस्से हैं पुराने, मैं तो बस इतना जानूं। हीरो के बाद घई की फिल्म कर्मा, रामलखन, खलनायक, सौदागर जैसी बड़ी फिल्मों में मनहर ने अपने फन का लोहा मनवाया। तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, छुट्टी लेकर आऊंगा मैं अगली बार महीनों की। एक बात ये भी खास रही कि 80 के दशक की ज्यादातर फिल्मों में जैकी श्रॉफ पर फिल्माए जाने वाले गानों में मनहर की ही आवाज होती थी, इसलिए मनहर को वॉइस ऑफ जैकी श्रॉफ ही कहा जाता था। इस दुनिया में दिल वो लगाए, सारा जग जो। फिल्म सौदागर में उनका गाया गाना इलू इलू खूब हिट हुआ था। जब बाग में कोई फूल खिला तो भंवरी ने कहा। अब चर्चा उस घटना की जब फिरोज खान ने खुद पर फिल्माए जाने वाले एक गाने में मनहर की आवाज लेने से मना कर दिया। दरअसल फिल्म कुर्बानी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर फिरोज खान थे, जबकि इस फिल्म में दूसरे बड़े एक्टर विनोद खन्ना थे। फिरोज खान पर फिल्माए जाने वाले एक गाने में कल्याण जी आनंद जी मनहर की आवाज लेना चाहते थे, लेकिन मनहर को नया समझकर फिरोज खान ने मना कर दिया। तब तय किया गया कि ये गाना विनोद खन्ना पर फिल्माया जाएगा। इस गाने की रिकॉर्डिंग के वक्त फिरोज खान भी स्टूडियो में मौजूद थे। जैसे ही मनहर ने गाना गाकर खत्म किया, फिरोज बोले कि इस फिल्म में तो नहीं, अगली फिल्म में मेरे ऊपर फिल्माए जाने वाले गाने में मनहर की ही आवाज होगी। इसके बाद फिरोज खान ने अपनी अगली फिल्म जांबाज में अपना वादा पूरा किया, जिसमें मनहर का गाया गाना अमर हो गया। सिर्फ 5 म्यूजिशियन को लेकर इस गाने को लंदन के एबी रोड स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया था। आप ही सुनिए। अपनी बेहतरीन आवाज की वजह से मनहर उदास लोगों के बीच काफी मशहूर हो गए थे। एक समय ऐसा भी था जब उनका फिल्मी करियर ऊंचाई पर था और मनहर साई भजन गाने में व्यस्त हो गए। इसके पीछे भी एक कहानी है। फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने पीआर के राजदान होते थे, उन्होंने कुछ साई भजन लिखे थे। उन्होंने मनहर से कहा कि अगर आप इन्हें गाएं तो अच्छा रहेगा। मनहर की आवाज में रिकॉर्ड हुए इस एल्बम को नाम दिया गया साई अर्पण, जो खूब पसंद किया गया। इसके बाद मनहर ने एक के बाद एक 30 से ज्यादा भजनों के एल्बम रिकॉर्ड किए। इस तरह वो भजन गायकी में भी खूब कामयाब रहे। जब चारों ओर अंधेरा हो, साईं। इसके अलावा मनहर ने गुजराती फिल्मों में एक से बढ़कर एक गीत गाए। एक दौर में वो गुजराती फिल्मों के सबसे बड़े गायक रहे।
मनहर ने गुजराती गजलों के 34 अल्बम रिकॉर्ड किए। वो आज भी दुनिया भर में गुजराती गजलों के शो करते हैं। साथ ही मनहर ने पंजाबी, गुजराती, उड़िया, असमी और अन्य भाषाओं में प्लेबैक सिंगिंग की है। बेहद विनम्र और सरल स्वभाव वाले मनहर ग्लैमर वर्ल्ड से हमेशा दूर रहते हैं। वो हमेशा एक साधारण इंसान की तरह पेश आते हैं और मिलने वाले को भरपूर प्यार और सम्मान देते हैं। अपने अब तक के करियर में उन्होंने 450 से ज्यादा हिंदी फिल्मों के गीतों को अपनी आवाज दी है। उनकी गायकी में अलग ही अपनापन झलकता है। तेरे साथ में कैसे प्यार का सौदा कर लूं। अब सवाल उठता है कि इतने मशहूर गाने और मखमली आवाज के बावजूद मनहर को ज्यादा शोहरत क्यों नहीं मिली? इसकी कई वजह रही। एक तो वो सीधे सच्चे इंसान थे, ना ज्यादा मार्केटिंग कर सके और ना ही किसी के पिछलग्गू बने। जो मिल गया उसे गालियां करते थे। इसके अलावा उनका ज्यादातर समय भजन, गजल, कैसेट्स और दुनिया भर में होने वाले शोज में बीतता रहता था। फिल्मों में गाने को लेकर वो बहुत ज्यादा बेचैन भी नहीं रहते थे, इसलिए उन्होंने फिल्मों में ज्यादा गाने नहीं गाए। जितना भी गाया वो बेमिसाल और यादगार है। हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम मर जाते। अगर बात करें निजी जिंदगी की तो वो मुंबई में अपनी पत्नी के साथ रहते हैं और उनकी दोनों बेटियां शादी के बाद अमेरिका में रहती हैं। दोनों पेशे से टीचर हैं और दोनों की एक ही घर में शादियां हुई हैं। हम मनहर उदास जी की लंबी उम्र और सेहतमंद जिंदगी की कामना करते हुए आपसे विदा लेते हैं। जाने से पहले गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।